नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्वीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। टाइगर जीतेगा, कोरोना हारेगा। दरअसल ये लाइन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए है, जो इस वक्त कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सबके बीच में जब चिरायू अस्पताल में उनका इलाज जारी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ देर पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेडिकेटेड कोविड 19 हॉस्पिटल चिरायू में दरअसल ये मन की बात कार्यक्रम को सुना। वो तस्वीरें भी सामने आई, जिन तस्वीरों को न्यूज ट्वीट ने आपके सामने भी रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मन की बात के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़ रहे थे। इससे कुछ देर पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बातचीत भी की थी। मुख्यमंत्री शिवराज के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। बीजेपी नेता प्रार्थना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। दरअसल कोरोना पॉजिटिव शिवराज सिंह चौहान हैं और उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। ना सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि आम कार्यकर्ता, आम लोग मध्य प्रदेश के चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। भूलना नहीं होगा, शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हैं और उसके बाद पूरे प्रदेश में उनके लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप राजधानी भोपाल की देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है। तस्वीरों में आप बीजेपी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। कृष्णा घाटगे, जो कि एक तरह से सिंधिया समर्थक हैं, अब बीजेपी में आ गए हैं, वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी एक यज्ञ किया गया था और उसके बाद सिंधिया भी स्वस्थ हो गए थे। और अभी ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्वस्थ होने की कामना को लेकर ये महायज्ञ इस वक्त भोपाल में तकरीबन आधे घंटे से किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ली, फ़ोन पर उनसे बातचीत की। और अभी कुछ देर पहले ही ये तस्वीर भी आई, जिसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए भी नज़र आ रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम इस तरह से दुआओं का दौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए शुरू हो चुका है और इसी तरह से ये क्रम जो है वो चलता रहेगा। देखना होगा मुख्यमंत्री कब तक स्वस्थ होते हैं। एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम उनके टेस्ट किए गए हैं, सभी सामान्य आई हैं और सभी की यही कामना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द से जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर से काम पर लौटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज टेट भोपाल। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ठीक होने के लिए बाकायदा यज्ञ किया जा रहा है, हवन पूजन। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पॉजिटिव आए थे, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, इसी तरीके से हवन पूजन किया गया था और महज 6 दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे। फिलहाल जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उसमें ये कहा गया कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस लौटेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहली तस्वीर आप सिद्धिविनायक मंदिर की भी देख रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में पूजा पाठ की गई, महाकाल मंदिर में विशेष प्रार्थना की गई, जिससे कि मुख्यमंत्री जल्दी ठीक हो जाएं। दूसरी तस्वीर आज की, अभी की, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें शुभम हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन दुआएं तो पूरे प्रदेश के लिए होनी चाहिए, पूरे देश के लिए होनी चाहिए, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहां पर कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से लोग अब डरने लगे हैं, सहमने लगे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके चलते उनके संपर्क में आए कई मंत्री, विधायक, बीजेपी के पदाधिकारी और अधिकारी क्वारंटीन हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो फिलहाल यहां पर कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और संक्रमण पर रोक लगाने की सभी तरकीबें नाकाम साबित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता खतरा अब डराने लगा है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 27,000 के करीब पहुंच चुका है, जबकि अब तक 800 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना अब सियासी गलियारे में भी एंट्री ले चुका है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और चिरायू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम पिछले दिनों राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर विमान से लखनऊ गए थे
इसी विमान में उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी थे। लखनऊ से लौटने के बाद भदौरिया पॉजिटिव पाए गए, जबकि वीडी शर्मा और सुहास भगत की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं सीएम के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेंस, सीएम के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सीपीआर सुदाम पी खाड़े, डायरेक्टर जनसंपर्क आशुतोष प्रताप सिंह से लेकर कई अधिकारी एहतियातन 2 से 3 दिनों के लिए क्वारंटाइन हो गए हैं। वहीं सीएम के परिवार में उनकी पत्नी, बेटे के साथ सुरक्षा और निजी स्टाफ को मिलाकर 100 लोग भी उनके संपर्क में रहे, उनका भी टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि सीएम की पत्नी और बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। यही नहीं, सीएम के संपर्क में आए बीजेपी के कई पदाधिकारी और नेता भी टेस्ट के लिए सैंपल दे रहे हैं। अभी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, पर वो बहुत स्वस्थ हैं, उनकी तबीयत एकदम ठीक है और निश्चित रूप से जल्द उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। अलग रहकर भी, आइसोलेशन के बाद भी सभी कामों पर नजर रखेंगे, सब काम करेंगे, पर आजकल तो वर्चुअल युग का जमाना है, उनका लगातार इस पूरे मामले में नेतृत्व रहेगा। सीएम के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रदेश में कोरोना का डर और बढ़ गया है और लोग सीएम की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। लेकिन इस बीच लोगों को सीएम का साल 2018 में दिया गया बयान भी खूब याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, टाइगर अभी जिंदा है। लोगों को उम्मीद है कि उनका टाइगर जल्द ही कोरोना को मात देकर उनकी सेवा के लिए मैदान में होगा। मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान, टाइगर अभी जिंदा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इससे पहले सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री अरविंद भदौरिया, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक दिव्याराज सिंह, कुणाल चौधरी, राकेश गिरी, प्रवीण पाठक, नीना वर्मा और लखन घनघोरिया भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। प्रदेश के सियासी गलियारे में जिस तरह से कोरोना की धमक पड़ी है, उससे खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भी हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब लोगों के लिए खुद को संक्रमण से बचाए रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि वो सरकारी गाइडलाइन के पालन के साथ साथ स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखें, ताकि कोरोना के खिलाफ जीत हासिल की जा सके। टीम न्यूज़ टेल। तो कोरोना के खिलाफ जंग पूरे देश की जारी है और उस वक्त मध्य प्रदेश के मुखिया भी यही जंग लड़ रहे हैं। तो टाइगर अगर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, तो हर वो व्यक्ति टाइगर है जिन्होंने इससे जंग जीती है या वो लड़ रहे हैं। और बात उनकी क्या ही कहने जो इस लड़ाई में आपका साथ दे रहे हैं, यानी कि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले में हम लोग कदम उठा सकते हैं और मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर किया क्या जाएगा, बातचीत के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रज गोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अजीत भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे सहयोगी शुभम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, जो कि तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरीके से हवन पूजन हो रहा है। और दुर्गेश हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि जबलपुर रीजन के भी कई ऐसे नेता हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए थे, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत ब्रज गोपाल लोया जी, क्योंकि मुख्यमंत्री का हौसला देखने लायक है, जज्बा काबिले तारीफ है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ और जल्दी वापसी करूँगा, जिस तरीके से उनकी कोशिश है कि आज शाम वो अस्पताल से ही समीक्षा बैठक भी करें, हम ये उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश के टाइगर जल्द स्वस्थ होंगे और ठीक उसी तरह से दहाड़ते हुए नजर आएंगे विपक्ष के खिलाफ, ठीक उसी तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे लोगों के लिए जैसे कि वो दिखते हैं हमेशा। जी अनुराग जी, देखिए माननीय शिवराज सिंह चौहान वो व्यक्तित्व है कि 23 मार्च की रात में जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके तुरंत बाद से वो मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए संघर्षरत थे, उसके लिए प्रयत्न किए, सापेक्ष प्रयास हुए, मध्य प्रदेश में स्थितियां सुधरी, निश्चित कोरोना ने संक्रमण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी तक केवल कोरोना का संक्रमण पहुंचा है, वो उन्हें बहुत प्रभावित नहीं कर पाया है। जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्दी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और हम सब और मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ निवासी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। परंतु जहां तक आप कह रहे थे
कि विपक्ष पर दहाड़ेंगे, विपक्ष पर नहीं कोरोना के खिलाफ भी दहाड़ेंगे, हमें समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण करना है और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने 20 घंटे तक ट्वीट करते हुए बहुत सारी हवाएं अपने आप चला दी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और ये कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन ना करने की वजह से आपने मेरे खिलाफ तो केस करवा दिया, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन करते हुए कोविड पॉजिटिव हो गए, यानी कि वहां सियासत को तो हवा मिल गई ना। नहीं नहीं, देखिए दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें केवल चर्चा में बने रहना है और निगेटिव बात करके बने रहना, मैं अपेक्षा करता हूं कि वो जितने वरिष्ठ नेता हैं उन्हें पॉजिटिव बात करके चर्चा में रहना चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जिस पर वो गलत बयानी कर रहे हैं। वो प्रदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं प्रदर्शन करने के लिए भीड़ नहीं लगाए थे, दिग्विजय सिंह जी ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ जोड़ी थी, इसलिए उन पर प्रकरण दर्ज हुआ था। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पूरे जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जाने एक, और ये एक जो बहुत छोटी सी चीज वृजगोपाल भैया जी, मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ हो इसकी कामना हम भी करते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि जो सोशल गैदरिंग हुई पिछले दिनों, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, कोई चूक वहां पर हो गई, वे लखनऊ भी गए, वहां से आए, उनके साथ अरविंद भदौरिया भी मौजूद थे, कोई चूक इस स्तर पर हुई है जिसके चलते आज मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव है? देखिए मैं आपको बताऊं जी, आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कमरे में बैठकर ट्विटर और व्हाट्सएप की राजनीति करने वाले राजनेता नहीं है, वे निरंतर जनता के बीच में रहने वाले राजनेता हैं, जनता को ये विश्वास वो दिलाए रहते हैं कि उनके पास एक सक्षम नेतृत्व है, वो जनता के बीच में रहते हैं। देखिए इसमें कहीं कुछ हुआ होगा जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी तक संक्रमण पहुंचा है, परंतु वो संक्रमण में माननीय मुख्यमंत्री जी का हौसला देखने लायक है और उन्होंने खुद कहा है कि ये चिंता की बात नहीं है, हमें सावधानी के साथ हर काम को करना है, परंतु प्रदेश बहुत चिंतित के लिए नहीं होना है, प्रदेश बहुत भयभीत कर रहा है और वो जल्द से जल्द ठीक हो, और मेडिकल की जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस ओर इंगित करती है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द डिस्चार्ज होंगे, और वो जो हौसला दिखा रहे हैं वो उसमें और चार चांद लगा देता है। कांग्रेस क्या सोच रही है, दिग्विजय सिंह के साथ है या फिर कांग्रेस का स्टैंड अलग हो सकता है? वो दिग्विजय सिंह का अपना पर्सनल ट्वीट है, मैं भी देखिए अनुराग जी, मैं भी प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी को पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दुआ करता हूँ, शीघ्र स्वस्थ हो और जल्दी से जनमानस की सेवा में आए और बिल्कुल सच्चे मन से आए जी। क्योंकि अब ये जो संक्रमण है, इस संक्रमण एक संकेत भी देता है अनुराग जी कि शिवराज जी को अब समझ में आ रहा होगा इस संक्रमण से कि शिवराज कोरोना अब डरोना नहीं, वाकई में संक्रमण है, और इस कोरोना संक्रमण से आम जनमानस कितना प्रभावित हो रहा है, कितने लोग अभी भी संक्रमित हैं, तो उनको संक्रमित लोगों को चिन्हित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की भी आवश्यकता है। आज अगर अनुराग जी ये आवश्यक है और इस प्रदेश में एक बहुत अच्छा संदेश और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए संदेश जाता अगर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी किसी निजी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने की अपेक्षा किसी शासकीय अस्पताल में भर्ती होते, तो ये प्रदेश में अपने आप मैसेज जाता कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी चुस्त दुरुस्त हैं और कैसे प्रशासन कोरोना के लिए कितना गंभीर है। आज भी आप देखिए अनुराग जी की क्या चल रहा है, आज शिवराज सिंह जी प्राइवेट वार्ड में बैठ के अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करा के आज भी ब्रांडिंग करा रहे हैं, तो ये क्या है, ये कोरोना को एक संक्रमण को मजाक बना के रखा हुआ है, ये इस तरीके की तो कम से कम ब्रांडिंग से, जहां इतने आपकी प्राथमिकता क्या है सर? चलिए ठीक है, मैं मान लिया, मैंने मान लिया, आप ये चाहते हैं कि तमाम सरकारी अस्पतालों की स्थिति को भी सरकार देखे, समझे, प्रशासन के स्तर पर उन बातों को दुरुस्त किया जाए, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? आप ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जल्दी ठीक हो जाए या फिर आप ये चाहते हैं कि इस बात पर भी सियासी रोटियां सेकी जाए, पॉलिटिकल माइलेज लेते रहा जाए, जल्दी स्वस्थ हो? और नहीं नहीं, वो तो देखिए सियासी रोटियां सेकना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, आप भी देख रहे हैं कि कितना WHO की गाइडलाइन का पालन करके सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन सरकार के मुखिया से लेके मंत्रीगण कर रहे हैं, ये आम जनमानस के सामने ये है। कांग्रेस का तो ये चाहते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। अनुराग जी कल का वाक्य बताया, ग्वालियर के अंदर संक्रमित व्यक्ति को तो ये मानकर चले कि WHO की गाइडलाइन का उल्लंघन में कर रहे थे, कुणाल चौधरी तो याद है ना आपको? नहीं हुए है ना, अरे निश्चित रूप से देखिए
कुछ ना कुछ देखिए, जहां सरकार का मुखिया होता है, मैंने अभी पहले भी प्रारंभ में कहा कि हमें निश्चित रूप से कांग्रेस की WHO की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, चाहे वो सरकार का मुखिया हो या किसी भी दल का जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो, सबको WHO की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जिससे आम जनमानस में संदेश जाए कम से कम इस चीज को। हम तो चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कोरोना के प्रति सरकार गंभीर हो, तो कोरोना के प्रति स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, ठीक हो जाए, ग्वालियर में तो जनमानस के काम पर लौट जाए। बस आपका सवाल ये है कि वो सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए? लोया साहब जरा जवाब दे दीजिए, बहुत संक्षेप में, फिर मेरे सहयोगियों के पास जाऊंगा। सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री, कांग्रेस पूछ रही है। नहीं, दोनों बातें मैं कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी उस अस्पताल में इलाज कराने गए जिसमें मध्य प्रदेश के आम नागरिकों का इलाज हो रहा है। 2000 के आसपास लोग चिरायू अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हमने कोई पृथकता नहीं रखी है, केवल इस सुविधा के लिए कि एम्स या हमीदिया में अन्य जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी हो रहा है, और चिरायू जो केवल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वहां इसलिए। एक दूसरी बात एक और कहना चाह रहा हूं कि ये वो आरोप लगा रहे हैं कि जब कुणाल चौधरी पॉजिटिव होते हुए और आइसोलेशन छोड़कर मध्य प्रदेश की विधानसभा में मतदान करने जब जाते हैं, तब ठीक बात है सर, आपकी इसी बात को मैंने रखते हुए कुणाल चौधरी का नाम ले लिया। जब माननीय मुख्यमंत्री, हालांकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का नाम लेना WHO की गाइडलाइन नहीं आती है कि आपने विधानसभा तक भेजने का काम किया कोरोना, ठीक है, लेकिन कांग्रेस को उसका आईना दिखाने के लिए वो नाम लेना जरूरी था, इसलिए वो बात मैंने उसका जिक्र मैंने कर दिया। ठीक है, मैं आपके पास और सवालों के साथ वापस लौटूंगा, दोनों राजनीतिक दलों के पास शुभम। लेकिन देश में, प्रदेश में दुआओं का दौर जारी है, देश ये दुआ कर रहा है कि कैसे भी कोरोना से मुक्ति मिल जाए, प्रदेश ये दुआ कर रहा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया सबसे पहले ठीक हो जाए। इन सब चीजों के बीच में राजनीति का जो स्तर सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री घर तो नहीं बैठ सकते, मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के लिए काम करना होगा और इसीलिए वो पॉजिटिव हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस कह रही है कि आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए, यानी कि मौका अभी भी, जो वो आपदा में अवसर वाली बात थी, वो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक तौर पर अच्छे से भुना पा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुराग, और आप देखिए कि अगर मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी गंभीर विषय है कि प्रदेश का मुखिया ही जो है, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम उनके वीडियो सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चलिए वो स्वस्थ हैं, तो इस पर राजनीति हो रही है। भगवान न करें कि अगर उनकी ज़्यादा तबीयत खराब होती तो आप सोच समझ सकते हैं कि ये कितना चिंता का विषय होता। 60 के पार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी उम्र हो चुकी है, ऐसे में दुआओं का दौर ज़रूर चल रहा है। हम अलग कल महाकाल मंदिर में भी देखा, आज भी भोपाल में हमने अभी रिपोर्ट्स दिखाई थी जहां पर महायज्ञ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए चल रहा है। मगर दूसरी तरफ जो सियासत हो रही है, इससे हटकर अगर हम बात करें तो ज़रूर इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम लगातार बीजेपी में हो रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हमने भी कई बार अनुराग उठाई है, क्योंकि आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि इमरजेंसी को लेकर एक प्रदर्शनी बीजेपी कार्यालय में लगाई गई जिसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। अब वहां पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे, मीडिया का जमावड़ा था, तो ऐसी स्थिति में ये कार्यक्रमों को टाला भी जा सकता था, ये इतना जरूरी नहीं था। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर प्रदर्शनी, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। फिर आप देखिए कि एक सबसे बड़ा सवाल हम जो उठाते थे कि अगर किसी का अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा, उसमें 20 लोग शामिल हो सकते हैं, 50 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, और 300 कार्यकर्ता की ज्वाइनिंग बीजेपी कार्यालय में करवाई जा रही थी जहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचते थे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि आखिर क्या जरूरी है, ऐसे अगर मुख्यमंत्री वहां पर नहीं भी पहुंचेंगे तो भी वो ज्वाइनिंग हो सकती है, तो भी वो काम हो सकते हैं। दूसरा, कोरोना को लेकर जो सरकारी काम हो रहे थे वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनुराग हो रहे थे, कोरोना की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान देने की जरूरत थी। और कल भी लोकेन पराशर जो प्रभारी है, उनसे जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने जरूर ये बात कही कि राजनेताओं को भी इस बात का ध्यान रखना होगा, इस महामारी को गंभीरता से लेना होगा। दुर्गेश, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि शुभम ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्या अब राजनेताओं को यह समझने की जरूरत है कि चलिए ठीक है, आप लोगों को ज्ञान तो दे रहे हैं, उस ज्ञान पर पहले अपने को सोचना, उस पर अमल करना जरूरी है। ठीक है, मुख्यमंत्री को काम करना प्रदेश के लिए जरूरी है, लेकिन उन तमाम राजनीतिक कामकाजों के साथ साथ सावधानी बरतनी जरूरी है।
बिल्कुल अनुराग, देखिए ये सावधानी नहीं बरती गई है, इसी का नतीजा है कि आज वीवीआई की कल्चर भी इसकी चपेट में आ चुका है। खुद मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। जबलपुर की यदि हम बात करें तो जबलपुर में कई आला अधिकारी जो हैं कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया तक पॉजिटिव निकले हैं और उनका दिल्ली में मेदांता हॉस्पिटल में उनका निजी हॉस्पिटल वहाँ पर इलाज चल रहा है। उनको जबलपुर में यहाँ के निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, यहाँ उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है। जस्ट 24 घंटे बाद जब वो दिल्ली पहुँच जाते हैं वहाँ के अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव दी जाती है। तो देखिए सवाल बहुत सारे हैं। जबलपुर की हम बात कर लें तो जबलपुर में भी कई राजनीतिक पार्टियों ने इस दौरान प्रदर्शन किए और किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। हाल ही में युवा कांग्रेस ने एक बैलगाड़ी यात्रा निकाली थी पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ। उसमें हमने देखा था कि 100-150 कार्यकर्ता चले आते हैं, नारेबाजी करते हैं, पुलिस भी उन्हें एक ही वैन में उठाकर भर देती है और उसके बाद गिरफ्तारी शो कर देती है। तो कहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ का मास्क, ये किसी भी तरह की चीज़ नज़र नहीं आती है। कांग्रेस ही जबलपुर में यहाँ धरना प्रदर्शन करती है, 25 से 30 लोग उसमें इकट्ठे होते हैं। खुद कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया और विधायक विनय सक्सेना उसमें मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जबलपुर में एक आला अधिकारी की बेटी की शादी होती है, उसमें कई लोग पहुँच जाते हैं, जबकि नियम ये है कि 50 से ज़्यादा मेहमान नहीं आ सकते थे। जून की हम बात करें लेकिन उस पार्टी में 600 से ज़्यादा लोग पहुँचे और शहर के जितने आला अधिकारी थे, नेता थे, सब पहुँचे थे। और उसी पार्टी से कोरोना का प्रसाद जो है जगह जगह बटा है और यही नतीजा है कि जबलपुर में आज केवल उसी शादी की हम बात कर लें तो छोटी छोटी और बड़ी लापरवाही बड़े स्तर पर हुई है। ये वो लोग और इसी वजह से आज दुर्गेश स्थिति है कि हम ये मानकर चलें कि अब प्रदेश में स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई है, इसे जल्द कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत संक्षेप में बृजगोपाल लोहिया जी, अब एक एक लाइन में आंसर दीजिएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। बृजगोपाल लोहिया जी, जिस प्रदेश का मुखिया कोविड पॉजिटिव हो गया हो, ये हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उस प्रदेश की है। यहाँ से लगाम लगाना आपके लिए चुनौती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको ये नहीं लगता कि राजनीतिक स्तर पर भी कुछ ढिलाई बरती गई, चाहे वो बीजेपी चाहे कांग्रेस हो? जिस तरह भारत ने, जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए, सबकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। जी ये कहां चूक हुई है ये भिन्न बात है। हाँ। परंतु आज विजय दिवस है अनुराग जी, और आज विजय दिवस पर हम एक नए संकल्प, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा मध्य प्रदेश शीघ्र कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा, ये हम आज मंगल कामना करते हैं। ठीक है, आप अपने राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, ये पर्सनल एक आप एडवाइस के तौर पर रख लीजिए। ठीक है अजीत भदौरिया साहब, लेकिन अगर कांग्रेस के कार्यक्रमों को देखें, अगर आप लोगों को सरकार के खिलाफ ही विरोध करना है तो आप लोग भी तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम चीजों का पालन कहां करते हैं? फिर आप मुख्यमंत्री को कोई सवालों के घेरे में रखने के हकदार कहां हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से अनुराग जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, जो भी जो निश्चित रूप से अनुराग जी आपकी बात से सहमत हूं मैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए कोई भी राजनीतिक दल हो, परंतु सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत उन्हें करना चाहिए जो सरकार में है। जो सरकार में रह के अधिकारी सब पूरा प्रशासन उनके आगे पीछे घूमता है, जो स्वागत समारोह करा रहे हैं, नए नए मंत्रीगण आते हैं, कोरोना के प्रति इनकी कितने गंभीरता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद कहती है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो कोरोना से मुक्ति पाओ, एक मंत्री जी कहते हैं कि फलाना पापड़ खाओ कोरोना से मुक्ति पाओ। तो भैया कम से कम अब तो जब एक प्रदेश का आपका मुखिया संक्रमित हो चुका है कोरोना से, तो अब तो गंभीर हो जाओ कोरोना के प्रति, कि अभी भी जुमलेबाजी करोगे आप। उसे राजनीति का मुद्दा मत बनाइए, ठीक है, अगर सांसद कह रहे हैं तो उनकी आस्था, उनकी भक्ति अपनी जगह। 800-900 मौतें हो चुकी है, ये चाहिए था कि सांसद साहब थोड़े से उसमें टिप जरूर दे देते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हो चुकी है, मास्क लगाए, ठीक है, ठीक है, अब तो राजनीति नहीं करते, गंभीर हो जाए। 32,000 शुभम, बहुत संक्षेप में, 32,000 आज जो स्थिति है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी प्रदेश का अगर मुखिया निश्चित रूप से राजनीति नहीं करना चाहिए, तो क्या हम ये मानकर चले कि अब वहां पर और ज्यादा डरने की जरूरत है इस चीज से कि कोरोना पास ना आए, जिसको कोरोना हो गया वो डट कर इसका सामना करे? बिल्कुल निश्चित रूप से हमें खुद इस चीज को अलर्ट रहना चाहिए, समझो मुखिया इस प्रदेश का, तो आम जनमानस जाना है। जी शुभम,
देखिए अनुराग, अपडेट यही है कि जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बातचीत की है। और दूसरा जो आपने मुख्य सवाल किया कि प्रदेश के मुखिया ही पॉजिटिव हो गए, देखिए ऐसा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अभी पॉजिटिव हुए थे और विदेशों में भी आप देखेंगे तो कई बार हमने देखा है कि कई देशों के तो राष्ट्रपति तक भी पॉजिटिव हुए हैं। अगर आप इंग्लैंड का भी उदाहरण लें तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं। अब अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव हुए और उन्हीं के संपर्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री घर में ही बैठे रहते तो वो भी बच सकते थे, मगर लगातार वो भी कामकाज कर रहे हैं। और दुर्गेश कायदे से आपके पास आना चाहिए था, रोजाना का शेड्यूल लेना चाहिए था, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो बता दे। ब्रिज गोपाल जी, अजीत भदौरिया जी, शुभम और दुर्गेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर सीहोर से, दरअसल यहाँ पर 26 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। 26 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां पर कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ स्थिति यह है कि रोज नए मामले शहरी क्षेत्र में। सीहोर के 8 मरीज मिले हैं, श्यामपुर इलाके में 2 नए मरीज, स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं। बुधनी में 1, तो इछावर में 2 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में लगातार आंकड़ा बढ़ते हुए 17,000 के पार पहुंच चुका है। जिले में कुल 86 कोविड पॉजिटिव है। बात हम सीहोर की कर रहे हैं, 61 लोग कोरोना से जंग जीत भी चुके हैं।